हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं रवि जांगड़ा कंबाइंड स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो हमारी होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसके अंदर हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप नए हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा यूनिट नंबर 3, जिसमें हम अकाउंटिंग टर्म्स एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इस कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सबसे पहले आता है एंटिटी। एंटिटी क्या होता है, एंटिटी का क्या मतलब है? एक ऐसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल यूनिट जिसका कोई एग्जिस्टेंस हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एंटिटी। यानी किसी का भी नाम, किसी भी आइटम को जब एक बिज़नेस के रूप में हम यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक बिज़नेस में यूज़ किया जाता है, उसको आप क्या कहते हैं, एंटिटी कहते हैं। किसी भी एंटरप्राइज़ का नाम आप जिसे बोलते हैं उसे ही क्या कहते हैं, एंटिटी। ठीक है, जैसे प्रकाश पाइप लिमिटेड, खन्ना ज्वेलर्स, ये सारे क्या हैं, एंटिटी हैं, यानी किसी बिज़नेस का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है इवेंट एंड ट्रांजैक्शन। इवेंट क्या होता है, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का होना, कोई फाइनेंशियल इवेंट का होना, कोई सेल होना, कोई परचेज होना, उसको आप बोलते हैं क्या, इवेंट। यानी कि वो एक पर्टिकुलर काम हुआ है, एक एंटिटी में जो काम होता है इवेंट होता है। ठीक है, उसे आप क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। बट जब उस ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी बेनिफिट में यूज़ करते हैं या मॉनेटरी टर्म में हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सेल करी है और उसके बदले में हमने पैसा रिसीव किया, तो वो क्या है, ट्रांजैक्शन है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कोई चीज़ परचेज करते हैं और बदले में कुछ पैसा देते हैं तो वो क्या है, एक परचेज ट्रांजैक्शन है। ठीक है, ट्रांजैक्शन आर टू काइंड, दैट इज़ कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का अभी मैंने एग्जांपल दिया कि जब हम कोई भी सामान कैश के रूप में ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो वो आपकी क्या होती है, कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या होता है, वहाँ पर कैश की ना तो पेमेंट हो रखी होती है, ना ही कैश का रिसिप्ट होती है। ठीक है, उसे आप बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है ट्रांजैक्शन के बारे में। नेक्स्ट टर्म हमारे पास होती है गुड्स। जिस चीज़ की हम डीलिंग करते हैं उसे आप क्या कहते हैं, गुड्स। कोई भी आर्टिकल्स सेल किया गया, परचेज किया गया, तो उसको क्या टर्म दिया जाता है, गुड्स। ठीक है, इट रेफर टू द आर्टिकल इन विच बिजनेस विल बी डील। जिस बिजनेस में जो डील करेगा उसी आइटम को हम क्या बोलते हैं, गुड्स। जैसे फर्नीचर हो गया आपका, फ़ैन हो गया, मशीनें हो गई, ये सारी क्या हैं, गुड्स हैं। ठीक है, डीलर ने जो भी सामान लेना है या देना है वो सारी चीज़ें गुड्स कहलाती हैं। देन आपके पास आता है डेटर। डेटर वो व्यक्ति है जिससे हमने कोई भी पैसा ओव करा है बिजनेस में, यानी उधार लिया है, उसे आप कहते हैं डेटर। ठीक है, और क्रेडिटर इसका रिवर्स होता है, जब हम बिज़नेस में कोई पैसा देना है, यानी बिज़नेस को किसी का पैसा देना है, किसी पर्सन का। मान लो कोई सामान हमने ख़रीदा था और उसकी सप्लाई करके हमने पेमेंट नहीं करी, तो हमारे क्या क्रेडिटर क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से डेटर कब बनते हैं, जब बिज़नेस ने पैसा परचेज करी कोई भी गुड्स क्रेडिट पर। ठीक है, ओके भाई, तो डेटर एंड क्रेडिटर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि डेटर क्या होता है और क्रेडिटर क्या होता है। अ कस्टमर हु परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम द बिजनेस इज़ कॉल्ड डेटर, एंड अ वन हु सप्लाई गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट टू द बिजनेस इज़ क्रेडिटर। ठीक है, आगे देखिए भाई, नेक्स्ट हमारे पास है बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट एक आपका रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर हम सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, वो आपके क्या हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, नंबर ऑफ़ बुक्स हम बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में ही लिखते हैं। ठीक है, देन आपके पास है एंट्री। एंट्री होता है रिकॉर्डिंग और एंट्रिंग अ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जब हम किसी ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है भाई, तो उसे आप क्या कहते हैं, एंट्री। जब आप ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, मान लो सेल हो गई, सेल्स बुक में एंट्री कर दी, परचेज हो गई, परचेज बुक में एंट्री करी, परचेज रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न बुक में एंट्री करी, तो वो रिकॉर्डिंग करना क्या होता है, एंट्री करना। जर्नल आपकी क्या है, प्राइम एंट्री बुक है, जिसके अंदर सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है बिजनेस की, ठीक है। देन होता है लेजर, लेजर का मतलब है द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल आर ट्रांसफ़र टू अ सेपरेट बुक्स आर कॉल्ड लेजर। जब आप जर्नल में रिकॉर्ड कर देते हैं, उसके बाद जब हम उसकी पोस्टिंग करते हैं अलग अलग अकाउंट्स में, तो वो कहाँ पर करी जाती है, लेजर में, ठीक है। जैसे आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, सैलरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। इसे आप किंग्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट भी इसको कहा जा सकता है लेजर को, क्योंकि यहाँ हर एक सेपरेट अकाउंट जो है वो मेंटेन करा जाता है। उसके बाद होता है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है, एक क्लासिफाइड स्टेटमेंट है ट्रांजैक्शन की, किसी भी व्यक्ति से रिलेटेड, किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। और इसको हम इस तरह से टी शेप में बनाते हैं, एक साइड में डेबिट होता है और दूसरी साइड क्रेडिट होता है, ठीक है। इसीलिए इसको टी शेप अल्फ़ाबेट वर्टिकली हम इसको लिखते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया अकाउंट्स के बारे में। आगे देखिए भाई, एक साइड हमारा डेबिट होता है और एक साइड क्रेडिट होता है। अभी मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, ठीक है। आगे देखिए भाई, एसेट्स। एसेट्स का मतलब है एक ऐसी चीज़ जो बिज़नेस के लिए वैल्यूएबल है, यानी जो उसको वैल्यू करके दे रही है चीज़, उसे आप एसेट कहते हैं। जो उसकी फाइनेंशियल बेनिफिट को जो है वो मेंटेन रखता है, उसे आप बोलते हैं एसेट। जैसे लैंड, कंपनी की लैंड परचेज हो गई तो वो क्या है, उसका एसेट है, यानी जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको आप एसेट की टर्म दे सकते हैं। देन आपके पास आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर होता है स्पेंडिंग ऑफ मनी इन अ लायबिलिटी। किसी भी लायबिलिटी को जब पूरा करने के लिए कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज पैसा देता है, पेमेंट करता है, तो वो क्या है, उसकी लायबिलिटी है। यानी कोई भी सर्विस लेने के लिए या कोई गुड्स परचेज करने के लिए आपने जो पेमेंट करनी है वो क्या है, एक्सपेंडिचर है, ठीक है। देन हमारे पास है इक्विटी। इक्विटी का मतलब है द राइट ओवर एसेट ऑफ द बिजनेस फर्म आर कॉल्ड इक्विटी। बिजनेस के अंदर जितने एसेट हैं उनके ऊपर जो कंपनी का राइट होता है उसे आप क्या कह देते हैं, इक्विटी कह देते हैं। जैसे क्रेडिटर इक्विटी और ओनर इक्विटी, ठीक है। अगली जो टर्म है हमारे पास वो है भाई लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है, एक ऐसा पेमेंट जो बिजनेस की फर्म किसी आउटसाइडर पार्टी को करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रेडिटर को पेमेंट करनी है, ठीक है, बैंक को पेमेंट करनी है लोन की, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, लायबिलिटी हैं, ठीक है। द अमाउंट ओन बाय द बिजनेस फर्म टू आउटसाइडर इज़ कॉल्ड द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, ठीक है। देन है कैपिटल। कैपिटल एक ऐसा अमाउंट है जो ओनर ने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया, यानी ये वो पैसा है जो कंपनी या बिज़नेस का एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट करता है बिज़नेस को शुरू करने के लिए, वो उसकी क्या है, कैपिटल है। देन आपके पास होता है ड्राइंग। ड्राइंग में क्या होता है, जब भी कोई ओनर विड्रॉ करवाता है पैसा फॉर देयर पर्सनल यूज़ इज़ नोन एज ड्राइंग। जब भी कोई बिजनेस एंटरप्राइज अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ करवाएगी तो उसे आप क्या कहेंगे, ड्राइंग्स कहेंगे, ठीक है। देन आपके पास है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, एक्सेस ऑफ द इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी इनकम आपका क्या हो गया, ज़्यादा हो गया और एक्सपेंडिचर आपका कम हो गया, तो उस केस में प्रॉफिट होगा। और लॉस कब होता है, जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है बट इनकम क्या है, कम है बच्चे, ठीक है। तो दोनों टर्म को याद रखेंगे। प्रॉफिट का मतलब है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर एंड लॉस का मतलब है जब हमारी एक्सपेंडिचर बढ़ जाए और इनकम क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, तो वो क्या होगा, कंपनी को लॉस होगा। उसके बाद है इनकम। इनकम एक अमाउंट है जो बिजनेस एंटिटी ने अर्न करा है थ्रू द वेरियस ऑपरेशन ऑफ द एक्टिविटी। अलग अलग तरह की जो बिज़नेस एक्टिविटी करके कंपनी ने या बिज़नेस ने पैसा कमाया वो उसकी क्या कहलाती है, इनकम। जैसे कोई भी उसने अपना एसेट सेल कर दिया तो उसके ऊपर जो पैसा आएगा वो उसकी क्या है, इनकम है, ठीक है भाई। क्लियर है पॉइंट। आगे देखिए भाई, आगे होता है गेन। गेन का मतलब है एक ऐसा प्रॉफिट जो किसी इवेंट और ट्रांजैक्शन की वजह से हुआ भी, अगर वो इवेंट होगा तभी वो गेन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, विनिंग अ कोर्ट केस, ये उसका गेन है। ठीक है, अगर उसने केस को जीता नहीं होता तो गेन उसे नहीं मिलता। आपके पास होता है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है पहले ये समझेंगे। डिस्काउंट होता है कि फेस वैल्यू जो भी है किसी गुड्स की, उससे कम प्राइस पर कोई सामान बेचना, तो उसे क्या कहलाते हैं, डिस्काउंट कहलाते हैं। कि जैसे कोई चीज़ 50 की है और उसको अगर कोई 45 में दे रहा है तो 5 रुपये का क्या हो गया, डिस्काउंट। ठीक है, अब ये दो तरह से मिलता है, या तो ट्रेड डिस्काउंट होएगा या फिर कैश डिस्काउंट होगा। ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, जो भी आपके मैन्युफैक्चरर हैं या प्रोड्यूसर हैं वो सीधा सीधा अपने जो उनके रिटेलर्स हैं उनको जो पेमेंट देते हैं बल्क अमाउंट में जो सामान देते हैं, तो उसके ऊपर वो एक डिस्काउंट देते हैं, उसे आप ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, व्हेन यू बाय एन आर्टिकल द सेलर में एग्री टू गिव यू अ कंसेशन विच इज़ लेस देन द लिस्ट प्राइस, इट इज़ नोन एज द ट्रेड डिस्काउंट। सेलर जो है एग्री हो जाता है कोई भी डिस्काउंट लेने के लिए, उसे आप कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, इसको हम कभी भी शो नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट में, इसकी वैल्यू को लेस करके लिखा जाता है। ये हम जब जर्नल का चैप्टर करेंगे वहाँ मैं आपको क्लियर करूँगा। देन आपका कैश डिस्काउंट होता है, जब कोई भी बायर किसी भी अमाउंट को ड्यू डेट से पहले पे कर देता है और उसके बदले में सेलर उसको एक डिस्काउंट देता है, उसे आप कैश डिस्काउंट कहते हैं। मान लो कोई पेमेंट आपकी 500 रुपीज़ की है और वो 5 जून को करनी थी, बट वो जो है 1 जून को ही पेमेंट कर देता है, तो उस केस में सेलर ने उसे बोला कि आप 400 ही दे दो 500 की बजाय, तो जो 100 रुपये उसको मिले हैं डिस्काउंट के, वही आपका क्या है, कैश डिस्काउंट है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें भाई, आगे चलिए। आगे है बच्चे वाउचर। वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है किसी भी ट्रांजैक्शन के होने का। ये बताता है कि कोई ट्रांजैक्शन हुई है, उसे आप वाउचर कहते हैं। सॉल्वेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी पोजीशन में है जो अपनी पेमेंट को पूरी तरह से कर सकता है, अपने डेट्स पे कर सकता है, उसे आप सॉल्वेंट कहते हैं। और इसका उल्टा केस इनसॉल्वेंट, जब कोई पर्सन बैड डेट की सिचुएशन में है यानी वो अपनी डेट्स को पे नहीं कर पाएगा, तो वो आपका इनसॉल्वेंट कहलाता है। बैड डेट्स क्या होता है, एक ऐसा अमाउंट जो अनरियलिस्टिक डेटर है और ठीक है, यानी जिससे डेटर से मान लो हमें पैसे लेने थे लेकिन उसने पेमेंट नहीं करी, तो जो पैसा हमारा रुक गया, पेमेंट जो नहीं आई है, उसे आप क्या बोलेंगे, बैड डेट्स। ठीक है, देन स्टॉक। आपका स्टॉक होता है जो आपके पास जो भी मटेरियल पड़ा है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, वो आपका क्या है बच्चे, स्टॉक है। ठीक है, कोई भी अनसोल्ड मटेरियल, अनयूज मटेरियल जो भी पड़ा हुआ है, वो सारा का सारा स्टॉक आपका कहलाता है। ठीक है, तो ये थे भाई कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म जो इम्पोर्टेंट रहते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके बारे में वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको फिर भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, जो आगे हम चैप्टर्स करेंगे उनमें इनका जो है वो यूज़ होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, एंड कंबाइंड स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने साथ। और टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं उन पर आप हमें कनेक्ट कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम ले सकते हो। ठीक है, IGNOU की हर एक दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको है तो वो मुझे बता सकते हो मेरे सोशल मीडिया के कॉन्टैक्ट से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।